हेलो किया। आप कुछ थके थके लग रहे हो। आज तो मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। जोजो, क्या आपको याद नहीं कि टिया अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पर गई थी? तो टिया, कैसी रही आपकी हाइकिंग? हाँ, लेकिन आपको पता है कि हम फॉरेस्ट के मिड पॉइंट पर लॉस्ट हो गए थे। क्या आप लॉस्ट हो गए थे? हाँ रिंकी, हम सब बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा था और मेरी एक फ्रेंड ने तो रोना भी स्टार्ट कर दिया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर आप लोगों ने क्या किया? वहाँ से वापस कैसे आए? सबसे पहले तो हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। फिर हम सब ने मिलकर प्रे की। आपको पता है फिर क्या हुआ? हाँ टिया, फिर क्या किया? खुदा ने हमारी हेल्प की और मुझे याद आ गया कि मैंने रास्ते पे आते हुए कुछ ट्रीज पर मार्क किया था। वाओ टिया, ट्रीज पर मार्किंग, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, अगर मैं ट्रीज पर मार्क ना करती तो शायद हम वहाँ पर गुम हो जाते। मुझे तो मूसा की कहानी याद आ गई। वो कौन सी? आपको याद है ना कि मिस्र में जिन लोगों ने अपने घरों पर लैंप का खून लगाया था वो बच गए थे। जब खुदा ने मिस्र में आफतें भेजी थी तब। हाँ बिल्कुल, तो चलो हम मिलकर स्टोरी सुनते हैं। हाँ, मुझे भी देखना है कि खुदा ने कैसे अपने लोगों को आफतों से बचाया। तो चलो चलो देखते हैं। सूरज की ताकतवर रू अपनी गर्म रोशनी से मेरी बादशाहत पर चमको। दरियाओं के अजीम खुदा अपना पानी हमारी फसलों पर बहाओ ताकि हमें अनाज की कमी ना हो। मेरे आका फिरौन, ये दो इजरायली आदमी यहां आए हैं, वो आपसे बात करने का पूछ रहे हैं। तुमने कहा दो इसराइली, और ये गुलाम मुझसे क्या चाहते हैं? हमारे पास आपके लिए यहोवा इसराइल के खुदा का एक पैगाम है कि उसके लोगों को जाने दो ताकि वो सहरा में उसकी इबादत कर सकें। यहोवा कौन है वो? मैं इस नाम से किसी खुदा को नहीं जानता और मैं कभी भी इसराइलियों को मिस्र से जाने नहीं दूंगा। अब वापस जाओ और मुशक्कत करो। ये इसराइली गुलाम बहुत सुस्त और बेकार होते जा रहे हैं। हाँ फिरौन, आप हमेशा की तरह ठीक हैं। निगरानों को कहो कि वो ईंटे बनाने के लिए भूसे को रोक दें और उनको दोबारा उतनी ही ईंटे बनाने को कहो। हम उन्हें इतना मसरूफ रखेंगे कि उनके पास इन दोनों की बात सुनने का वक्त ना हो। ये काम हो जाएगा मेरे आका। तुम रोज का कोटा पूरा करने में नाकाम हुए और आज तुम मजीद पीछे रह गए हो। हम ये कैसे करें जबकि आप हमें ईंट बनाने को भूसा नहीं दे रहे? तुम सब बस सुस्त हो चुके हो और ये वजह है कि तुम हर वक्त जाकर खुदा की इबादत करने की बात करते हो। पहरेदार, इस बुड्ढे को याद कराओ असली मालिक कौन है। तुम मूसा, तुम कसूरवार हो। तुम जाओ, हमें सुकून में रहने दो इससे पहले वो हम सबको मारे। हमें अब ईमान रखना होगा कि खुदा के पास हमारी निजात का मंसूबा है। मंसूबा? मैं था उसका मंसूबा और देखो मैं कैसे सबको नाकाम बना रहा हूं। खुदा, वो आपने मुझे ही क्यों भेजना था? मूसा, याद रखो कि मैं यहोवा हूँ, खुदावन ताला, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब पर जाहिर हुआ। मैंने उनसे कनान की सरजमीन का अहद बांधा और मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं बनी इसराइल को गुलामी से छुड़ाऊंगा। लेकिन खुदावन, इसराइली अब मेरा बिल्कुल यकीन नहीं करते, तो मैं कैसे ये सोच लूं कि फिरौन मेरी सुने? कल सुबह सूरज तलो के वक्त अपने भाई हारून के साथ दरिया के किनारे पर जाओ।
हमारे लिए पानी लाओ ताकि मैं और मेरा छोटा बेटा पानी पी सके। ओ तुम दोनों फिर से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहोवा इसराइल के खुदा ने कहा है कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो सहरा में मेरी इबादत कर सकें, लेकिन अगर तुमने जाने ना दिया तो मैं इस दरिया को खून में बदल दूंगा। ये खौफनाक है, ये खून है। मेरे आका, हमारे जादूगर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हाँ ऐसा तो हमारे जादूगर भी कर सकते हैं। तुम दोनों ये मत सोचना कि तुम्हारी ये छोटी सी चाल मुझे तुम्हारे लोगों को आजाद करने पर राजी करेगी। पानी इतना नागवार हो गया कि कोई उसे पी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी फिरौन बनी इसराइलियों को छोड़ने पर राजी नहीं था। और फिर खुदा ने पूरे मिस्र की जमीन पर मेंढक की तुगयानी भेजी। वो हर तरफ फैले थे, उन्होंने मिस्रियों के घरों पर हमला किया और उनके खानों तक रीन पड़े। ये मेंढक बहुत ही गलीज है। मूसा तुम्हें अपने खुदा से कहना होगा ताकि इनसे छुटकारा मिले। मैं यहोवा से दुआ करूंगा कि इन सबको दूर करे, लेकिन फिर तुम्हें इसराइलियों को जाने की इजाजत देनी होगी, क्योंकि अगर तुमने ना दी तो इससे भी बदतर चीजें आ सकती हैं। मूसा ने दुआ की और खुदा ने मेंढकों को मरने दिया, लेकिन जब फिरौन ने देखा कि वो मेंढकों से निजात हासिल कर चुका तो वो अपनी बात से बदल गया और इसराइलियों को जाने ना दिया। खुदा ने फिर मक्खियों को पूरे मिस्र की जमीन पर भेजा और वो तमाम जगह जहां इसराइली रहते थे वो उनसे साफ रही। ये नाकाबिले यकीन है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन मिस्रियों को ऐसे तड़पता हुआ देखूंगा। फिरौन ने मूसा से इल्तजा की कि मक्खियों को मिस्र से निकाल दे, लेकिन जब मक्खियां चली गईं, उसने फिर अपना दिल सख्त कर लिया। खुदा ने फिर मिस्रियों को तकलीफ दे जख्म दिए, उसके साथ उनके मवेशियों पर जानलेवा बीमारी भेजी, लेकिन फिर भी फिरौन ने खुदा का हुक्म मानने से इनकार किया। फिर खुदा ने औलों का तूफान भेजा, बेदरेग औलों ने उनके रास्ते में हर चीज को तबाह कर दिया, फसलें, दरख्त, जानवर, यहां तक के लोगों को भी। लेकिन जहां इसराइली रहते थे वहां एक औला भी ना गिरा। खुदा फरमाते हैं, मेरे लोगों को जाने दो, लेकिन अगर तुमने ना माना तो मैं टिड्डियों का एक ताउन भेजूंगा जो पूरे मुल्क को ढक देंगी और जो थोड़ी खुराक बाकी है उसे खा जाएंगी। मेरे आका, क्या आपने नहीं देखा कि मिस्र खंडर बन चुका है? मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, इन्हें जाने दें। नहीं, कभी नहीं। और इस तरह खुदा ने वही किया जो उसने कहा था। उसने टिड्डियों के खौफनाक ताउन से पूरे मिस्र को तबाह कर दिया। उसके बाद उसने पूरे मुल्क में तारीकी के बादल फैला दिए। भारी जाबिराना तारीकी 3 दिन तक छाई रही ताकि कोई भी जहां था वहां से ना जा सके। खुदा ने मिस्र पर बहुत सारी आफतें भेजी। हाँ टिया। टिया, आपने देखा नहीं कि जिन लोगों ने मार्क अपने दरवाजों पर लगाया वो बच गए? सेम वैसे ही जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को ट्रीज पर मार्क करके सेव किया था। लगता है दरवाजे पर जरूर दादाजी आए हैं। हाँ टिया, तो चलो मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। सब बच्चों का मैं दादा, बाजार को घूमने जाता, रंगों के डब्बे, कागज, पेंसिल, धागे ढूंढ के लाता। मेरी छोटी सी एक बिटिया, नाम है उसका टिया, रोजो और रिंकी, उसके दोस्त उनके लिए चीजें बनाता। सब बच्चों का मैं दादा।
आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ दादाजी। और रिंकी जोजो, आप लोग? हाँ, हम ठीक हैं दादाजी। दादाजी, आपको पता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पे गई थी। जी दादाजी, लेकिन टिया और उसके दोस्त जंगल के बीच में घूम गए थे। टिया, क्या ये सच है? जी दादाजी। लेकिन दादाजी, टिया बहुत इंटेलिजेंट है, उसने अपने विजडम से अपने सब फ्रेंड्स को वहाँ से बाहर निकाला। अरे मेरी बेटी तो सच में इंटेलिजेंट हो गई है। है क्यों दादाजी, वैसे आज आप हमें क्या बनाना सिखाएंगे? मैं आपको आज कंपास बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो। तो चलो पहले हम ब्राउन पेपर की स्क्वायर शेप कट कर लेते हैं। अब हमारी स्क्वायर शेप तो डन है। अब हम कंपास को पेंसिल पे लगाते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्या था? चलो ये तो हो गया। टिया, आपको पता है कि मैंने ये अल्फाबेट क्यों लिखे हैं? जी दादाजी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वेरी गुड, अब मैं इसको कट करता हूँ। अब हम एक स्ट्रॉ को लेते हैं और इसको मिड से कट करते हैं। और हमें ट्रायंगल भी तो चाहिए, तो इसमें से कट कर लेते हैं और ट्रायंगल को स्ट्रॉ में लगाता हूँ। टिया, अब हम पेंसिल की मदद से इसमें होल करेंगे और पेंसिल को उसमें एडजस्ट करेंगे। अब हम थंब पिन की मदद से एरो को पेंसिल पे लगाएंगे। टिया, आपको पता है मैंने ये कंपास क्यों बनाया? क्यों दादाजी? इसलिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप बाहर जाओ तो ये कंपास अपनी सेफ्टी के लिए साथ लेकर जाओ, कि आप लॉस्ट ना हो, इसीलिए दादाजी। रिंकी, सही कहा आपने। और दादाजी, कि हमें हमेशा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। अब मैं हमेशा ऐसे ही करूँगी। हाँ बेटा, अपनी सेफ्टी तो बहुत जरूरी है। तो अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय दादाजी। ओके, बाय बाय दादाजी। तो आज क्या हम कोई सॉन्ग नहीं सुन रहे? हाँ, मेरे पास सॉन्ग भी है। चलो हम सब मिलकर गाएंगे। जब खुदा हमसे नाराज हो जाए और खुदा को हमारी बातों से गुस्सा आ जाए, तो फिर जैसा मिस्र में हुआ था वैसा होता है। और खुदा हम पर सब आफतों को भेज देता है। खुदा हमसे करता है प्यार गुनाहों से, वो हमको बचाने को तैयार। खुदा हमसे करता है प्यार गुनाहों से, वो हमको बचाने को तैयार। जब
उसकी बातों को हम जानते नहीं, जब उसके हुक्मों को हम मानते नहीं, तो फिर जैसा मिस्र में हुआ था वैसा होता है, और खुदा हम पर सब आफतों को भेज देता है। लेकिन खुदा हमसे करता है प्यार, गुनाहों से वो हमको बचाने को तैयार। खुदा हमसे करता है प्यार, गुनाहों से वो हमको बचाने को तैयार। टिया, आपका सॉन्ग कितना अच्छा था कि हमें खुदा को नाराज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा करने से हम हमेशा मुश्किल में ही पड़ते हैं। हाँ रिंकी जोजो, हमें भी खुदा की बातों को मानना चाहिए। तो दोस्तों, हमें भी रिंकी जोजो की तरह समझना है कि हमें खुदा की बातों को फॉलो करना है। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।